अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टफ्ड कैप्सिकम कीमे से भरे हुए, और इसमें मैं शामिल करूंगी पोटैटोस। जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे वो जाहिर है। सबसे पहले तो कीमा होगा। मैंने 1/2 kg कीमा लिया है, उसे मैंने चूल्हे पे ऑयल पे रख दिया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उसके अलावा मेरे पास कैप्सिकम है। कैप्सिकम के हम ऊपर से ये कैप को काट लेंगे, बाकी मैंने धो के अच्छे से रख दिया है। यहाँ पे मेरे पास है गार्लिक और जिंजर, इन दोनों को हमने पीस लेना है। और मेरे पास है ऑनियन, पोटैटो और टोमेटोस, इन सबको हमने छील के अच्छे से धो के रख दिया है। तो हम अभी चलते हैं चूल्हे की तरफ। ये एक तुर्किश डिश है, बहुत मजे की होती है। मैं तुर्की स्टाइल में इसको पकाऊंगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बनती है। बहुत मजे की होती है। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पे मैंने 1/2 kg कीमा लिया है, उसे मैंने तेल में डाल दिया है। सिर्फ मैंने ऑयल शामिल किया है। इसको हम ऑयल में अच्छे से तल लेंगे। फ्लेम को मैं थोड़ा सा मीडियम पे रखूंगी। पहले लो पे था, अब मैंने इसे मीडियम पे रख दिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे अपने मसाले जात। सबसे पहले तो मैं इसमें शामिल करूंगी नमक, मैंने इसलिए इसमें शामिल किया है कि जो कीमा है वो अच्छे से तला जाएगा और नीचे पैन में चिपकेगा नहीं। अगर हम नमक ऐड नहीं करते जल्दी से तो नीचे पैन में चिपकना शुरू हो जाता है। जब तक हमारा कीमा रेडी होता है मैं प्याज की कटिंग कर लेती हूँ। ऑयल में आप देखेंगे तो अभी भी पानी है, तो इसका मतलब है जो कीमा है वो अभी तक तला नहीं गया है, इसमें पानी मौजूद है। तो हम पहले इसे अच्छे से तलेंगे। बहुत इजी, बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप इसे रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसे चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं दोनों चीजों के साथ आज इसे सर्व करूंगी और आप खुद बना के देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। कीमा हमारा हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर डालने का ये फायदा होता है कि इस कीमे में स्मेल नहीं आती, एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है। वो जो ब्लड की हल्की हल्की स्मेल होती है वो भी नहीं रहती। मैंने उस टाइम पे डाला है ये जब हमारा ऑयल तकरीबन क्लियर नजर आना शुरू हो चुका है। उस टाइम पे हम इसको डालते हैं तो इसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी सी आने लग जाती है और बहुत मजे का सालन लगता है। अब इसके साथ ही मैं शामिल करूंगी प्याज। प्याज को मैंने बारीक बारीक काट दिया है, बिल्कुल बारीक सा है। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। इसके साथ ही जो मैंने पोटैटोज लिए हैं उनको मैं कद्दूकश करूंगी। हम इसे कद्दूकश करके डालेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा करके। ये मैंने पोटैटोज को कद्दूकश कर दिया है। अब मैं ये भी इसमें शामिल करूंगी। 3 अदद पोटैटोज है। अब जब तक इनकी भुनाई होती है मैं लहसुन अदरक को कूट लेती हूँ और टमाटर अपने काट लेते हैं। हमारा आलू जो है वो रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे टमाटर जो है वो काट लिए हैं, मैं ये शामिल करूंगी। इसके साथ ही मैं शामिल करूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। इसके साथ ही मैं शामिल करूंगी अपनी हल्दी, टमाटरों ने अपना पानी निकाल दिया हुआ है, तो हम आंच को थोड़ा सा तेज करेंगे क्योंकि हमें ये मसाले को बिल्कुल नरम सा नहीं रखना। हमारा ये सारा मटेरियल जो है वो खड़ा खड़ा होना चाहिए, तो मैं फ्लेम थोड़ा सा हाई करूंगी। इसके साथ ही मैं अपने मसाले डालना शुरू कर देती हूँ। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पहले जीरा, लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और इसके साथ ही मैं शामिल करूंगी ब्लैक पेपर। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितना मसाला खाना पसंद करते हैं, तेज खाना पसंद करते हैं कि हल्का खाना पसंद करते हैं, तो आप अपने टेस्ट के लिहाज से इसमें सारे मसाले शामिल कर दीजिएगा। ऑयल आने तक हम इसकी भुनाई करेंगे और चम्मच को रुकने नहीं देंगे क्योंकि ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा, और हमें थोड़े सा तेज आंच पे इसको भूनना है ताकि हमारा मसाला जो है वो इसी तरह खड़ा खड़ा रहे। जब तक हमारा मसाला भुना जाता है मैं कैप्सिकम को काट लेती हूँ। ये देखिए हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है और हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं पहले। अब हम इसको निकाल लेते हैं किसी खुले बर्तन में ताकि ये ठंडा हो जाए। किसी खुले बर्तन में निकालिएगा ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और आप इसको शिमला मिर्च में भर सके। चाहे तो ऑयल आप बर्तन में भी छोड़ सकते हैं, इसको अपने साथ मत लेके जाएं, और चाहे तो थोड़ा सा ऑयल जो है वो ले जाएं। अब इसको थोड़ा सा पंखे के नीचे रखेंगे ताकि ये जो है खुश्क हो जाए, और इसका एक्स्ट्रा ऑयल चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं, या आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो हम इसको ठंडा होने देते हैं। अब सेम उसी फ्राई पैन को, ये देखें, सेम उसी पैन को मैं चूल्हे पे रख दूंगी दोबारा से। फ्लेम मैं थोड़ा सा लो करूंगी। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। मैंने सेम उसी फ्राई पैन को ऊपर रख दिया, इसमें हल्का सा मसाला भी डाला हुआ है। अब यहाँ पे मैंने लिया है टमाटरों की प्यूरी, मैंने तकरीबन लिया है 1 कप। तो 1 कप टमाटरों की प्यूरी हम इसमें शामिल करेंगे। ये मेरा 1 कप है। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसके साथ ही मैं शामिल करूंगी केचप और चिली सॉस। अब इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है वो केचप के ऐड करूंगी इसमें। टेबल के करीब मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूंगी सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हमने उस मसाले में भी डाला हुआ है, तो इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा यूज करेंगे। केचप में भी सॉस ऑलरेडी डला होता है और जो है चिली सॉस उसमें भी सॉल्ट डला होता है, तो इसलिए हमें ज्यादा सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही मैं शामिल करूंगी सिरका। विनेगर आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी पे है। मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब सिरका इसमें शामिल करूंगी। इसको मिक्स करते हुए कोशिश कीजिएगा जो किनारे पे आपका लगा हुआ मसाला वो भी साथ में उतर जाए और इसमें जो है वो शामिल हो जाए। इसमें मैं शामिल करूंगी सोया सॉस। सोया सॉस भी मैं 2 टेबलस्पून के करीब जो है इसमें शामिल करूंगी। जब तक ये पकता है मैं अपनी शिमला मिर्च जो है वो काट लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हम शिमला मिर्च को कैसे काटते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने लिया शिमला मिर्च। शिमला मिर्च का हम ऊपर से इस तरीके से काट देंगे। इसको हमने जाया नहीं करना, अंदर का जो ये मटेरियल है हम इसको निकाल देंगे। आप चाहे तो इसे छुरी के साथ भी बिल्कुल नरम सा कर सकते हैं। इसके किनारे जो है ये देखें, बिल्कुल इस तरीके से हम इस तरह करते करते सबको छील लेते हैं। ये देखें, हमने इन सब की कटिंग कर दी है और इस तरह की है। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के लिए हम एक शिमला मिर्च में ये शिमला मिर्च लेंगे, हम इसमें इस तरह कर देंगे। आप चाहे तो इसमें चीज भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही क्योंकि बच्चों को इतना पसंद नहीं आता चीज डाला हुआ, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही। इसको थोड़ा सा आप इस तरह करेंगे तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और ये हमने इसको ढक दिया। इस तरह करते करते हम इन सब की फिलिंग कर लेते हैं। और ये है मेरी फाइनल लुक। मैंने चावल रखे हैं, चावल के साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ। और ये देखें, बहुत मजे की खुशबू आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, जरूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना आपका। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।